ओम शांति इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3748 नाइट क्लास डेटेड 8/12/1968 क्लैरिफाइड ऑन 29/9/2021 रात्रि क्लास चल रहा था 8 दिसंबर 1968 The night class dated 8th December 1968 was going on. दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी राम और रावण के परिवार की. The topic we were discussing in the end of the middle part of the second page was of the family of Ram and Ravan. बताया कि राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार. It is said राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार. That is, राम departed, रावण who had a big family departed. रावण के परिवार तो बहुत हैं. रावण has many families. जितने भी धर्मी हैं उतने सब जैसे रावण के परिवार. As many vidharmis there are, they all are like the families of Ravan. और फिर तुम क्या हो? And what are you? कुछ भी नहीं हो. Nothing at all. तो वो जो रावण संप्रदाय है वो सब जाने वाले. So, all those who belong to the community of Ravan are going to go. और तुम्हारा परिवार रहने का है इस दुनिया में. And your family will remain in this world. बाकी तो सब जाने वाले. All the rest are going to go. वो जैसे कि वो तुमसे गुप्त में दुश्मनी करते हैं. It is as if they have a secret enmity with you. तुम इस दुनिया में क्यों रहते हो? Why do you remain in this world? देखो कभी भी कहते हैं ना. Look, they say anytime, don't they? और ये भारतवासी सन्यासी भी कहते हैं तुम्हारे लिए कहते हैं. And these भारतवासी सन्यासी also say for you. ये ब्रह्मा कुमारियां ये कुमारियां सारा दिन यही कहती रहती हैं कि 8 वर्ष में मौत होगा 10 वर्ष में मौत होगा. दीज ब्रह्मा कुमारीज जस्ट कीप सेइंग द एंटायर डे दैट देयर विल बी डेथ मीनिंग डिस्ट्रक्शन इन 8 इयर्स देयर विल बी डेथ इन 10 इयर्स. ये तो मौत ही मौत मांगती रहती है. They just keep asking for death. जैसे कि ये तो दुनिया का नाश करने के लिए पैदा हुई है. As if they are born to bring the destruction of the world. अभी गुस्सा करते हैं. ये नाश करने के लिए पैदा हुए हैं. Well, they become angry saying they are born to bring the destruction. उनको क्या मालूम ये विनाश में ही शांति है. What do they know that peace lies in destruction alone? तो वो तो इस बात को जानते ही नहीं हैं. So they don't know that at all. और तुम तो जानते हो कि हाँ शांति तो विनाश में ही है. And you do know, yes, peace lies in destruction alone. वरना शांति तो हो नहीं सकती. Otherwise, there can't be peace. और ये सब जब मर जाएंगे तब शांति हो जाएगी. And there will be peace when they all are dead. तो वो बात तो सच्ची है ना. लिखते भी हैं. So that is true, isn't it? They also write. किस होवनहार विनाश के बाद. After the imminent destruction.
जो लिखा है ना टेलीग्राम में, दे हैव रिटन इट इन द टेलीग्राम, हैवंट दे? तो लिखा है विनाश के बाद ये माना के विश्व में शांति होगी ही होगी, और वो होती है। दे हैव रिटन आफ्टर डिस्ट्रक्शन देयर विल डेफिनेटली बी दिस मीनिंग पीस इन द वर्ल्ड एंड देयर इज पीस। तो अभी बुद्धि तो ऐसी है ना पत्थर। सो द इंटेलेक्ट इज लाइक स्टोन, इजंट इट? ये तो सभी जंगली जानवर हैं। ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स। जानवर हैं तो झगड़ा ही करते रहते हैं। दे आर एनिमल्स सो दे जस्ट कीप फाइटिंग। तो बाबा जब भी होते हैं तब लिख देते हैं कि इनसे झगड़ा बगड़ा कुछ भी न करो। So, whenever Baba is present, he writes, don't fight or quarrel with them. इनसे जास्ती बोलो ही नहीं। Don't speak much with them at all. 8/12/1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। Third page of the night class dated 8/12/1968. सिर्फ इतना इतना कहो कि हमको बेहद के बाप का हुक्म है कि हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है। जस्ट से वी हैव द ऑर्डर ऑफ द अनलिमिटेड फादर दैट ऑल ऑफ अस सोल्स आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। और वो हमारा बाप है बेहद का, हम ये समझते हैं। एंड वी अंडरस्टैंड दैट ही इज अवर अनलिमिटेड फादर। हम आत्मा हैं, देह नहीं है। वी आर अ सोल, वी aren't अ बॉडी। और वो हमारा बाप है। एंड ही इज अवर फादर। अब इस बात को तुम समझो या न समझो। नाउ नो मैटर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। बाकी वो जो आत्माओं का बेहद का बाप है वो कहते हैं कि मुझे याद करो। दैट अनलिमिटेड फादर ऑफ द सोल सेज रिमेम्बर मी। और मुझे पहचान करके एक को याद करो। एंड रिमेम्बर द वन आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग मी। अनेकों की बेविचारी याद छोड़ो। लीव द अडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस ऑफ मेनी। और कोई को भी याद न करो। डोंट रिमेम्बर एनीवन एल्स। भक्ति मार्ग में भी वो भक्त लोग कहते हैं कि हे भगवान जब तुम आएंगे। ऑल्सो इन द पाथ ऑफ भक्ति दोज डिवोटीज से ओ गॉड व्हेन यू कम। तो कौन कहते हैं? सो हु से दैट? ये आत्मा ही तो कहती है ना। द सोल इटसेल्फ सेज दैट, डजंट इट? ये विनाशी शरीर कहता है। और डज द पेरिशेबल बॉडी से दैट? ये तो जड़ है, पांच तत्वों का पुतला। इन फैक्ट द एफिजी ऑफ द फाइव एलिमेंट्स इज इनर्ट। तो आत्मा कहती है इस जड़ यंत्र के द्वारा कि मैं बाबा आप की बनूंगी। सो द सोल सेज थ्रू दिस इनर्ट इंस्ट्रूमेंट बाबा आई A female will become yours. क्योंकि जब आप इस सृष्टि पर आएंगे और आकर के नई दुनिया स्थापन करेंगे। It is because when you come to this world and establish the new world. तो जरूर जब नई दुनिया स्थापन करेंगे तो आएंगे ना। You will certainly come to establish the new world, won't you? तो मैं आपकी ही बनूंगी। सो आई अ फीमेल विल बिकम ओनली योर्स। अब बनूंगी या बनेंगे? बनूंगा। आई अ फीमेल बी और आई अ मेल विल बिकम योर्स।
और ये तो बरोबर है कि नई दुनिया का मालिक बनेंगे। एंड दिस इज सर्टन दैट वी विल बिकम द मास्टर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अभी ऐसी समझानी चाहिए उनको देने के लिए। नाउ यू नीड सच एक्सप्लेनेशन टू गिव टू देम। ऐसी समझानी चाहिए जो वो कुछ बोले ही नहीं। यू नीड सच एक्सप्लेनेशन दैट दे वोंट बी एबल टू से एनीथिंग एट ऑल। बोलो हम कुछ कुछ ये शास्त्र वास्त्र की बात ही नहीं उठाते। टेल देम वी डोंट रेज एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा एट ऑल। अभी हम शास्त्र पढ़ते हैं क्या? पढ़े हैं। डू वी रीड स्क्रिप्चर्स नाउ? वी हैव रेड देम। पास्ट में पढ़े हैं, जन्म जन्मांतर पढ़े। वी हैव रेड देम इन द पास्ट, वी हैव रेड देम फॉर मेनी बर्थ्स। अभी इन शास्त्रों को हम क्या पढ़ें? नाउ व्हाई शुड वी रीड दी स्क्रिप्चर्स? अभी बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ो। नाउ द फादर डस से फॉरगेट एवरीथिंग, डोंट रीड एनीथिंग। गीता में भी अर्जुन को कहा ना। अर्जुन वॉज टोल्ड इन द गीता एज वेल। जप तप वेद शास्त्र तीर्थ यात्रा इनसे मैं नहीं मिलता हूँ। You can't find me through chanting, tapasya, reading Vedas, scriptures, going on pilgrimages. Hey Arjun, तू कोरा कागज हो जा। Oh Arjun, become a blank paper. सिर्फ मुझे याद कर। Just remember me. बोला है ना, माम एवा नमस्कुरु। It is said, isn't it? माम एवा नमस्कुरु. Meaning, certainly bow before me. तो फिर हम बच्चों को भी तो एक बाप की ही माननी पड़ती है ना। So, we children also have to obey only the one father, don't we? और बाप को ये जो भी है हमारी समाजी उस निराकारक बाप को तो वो भी मानते हैं ना। The Arya Samaj is also believe in that incorporeal father, don't they? भले साकार देवताओं को नहीं मानते हैं, निराकार को तो मानते ही हैं। Although they don't believe in the corporeal deities, they do believe in the incorporeal one. ऐसे नहीं है कि नहीं मानते हैं। It isn't that they don't believe in him. भगवान को तो मानते हैं। They do believe in God. वो भी शिव जयंती मनाते हैं। They too celebrate शिव जयंती। बाकी जानते नहीं है कि जयंती तो साकार की होती है। As a matter of fact, they don't know that जयंती is celebrated of someone corporeal. निराकार की जय जयकार कैसे होगी? How will the incorporeal one be praised? अभी कोई कोई सेक्शंस हैं उनके उनके जो कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। Now some of their sections are such which believe in God and some don't. हर एक बात में। In every aspect. अभी ये शंकराचार्य लोग हैं, ये क्या सभी एक ही हैं? Now these Shankaracharyas, that is sannyasis, are they all the same? सबका एक मत है। Do they all have the same opinion? और ये क्या एक ही रास्ता चुनते हैं क्या भगवान से मिलने के लिए? And do they all choose the same path to meet God? नहीं। No. कोई तो आते हैं, तुम्हारा देखते हैं, लिखते हैं। Some come, look at you and write.
ओपिनियन भी लिख करके जाते हैं। दे गो आफ्टर राइटिंग द ओपिनियन एज वेल। हाँ ये तो अच्छी बात है। यस इट इज सर्टनली समथिंग गुड। और कोई तो ऐसे हैं देखो उड़ाने में भी देरी नहीं करते। एंड लुक सम ऑफ देम आर सच हु डोंट इवन डिले इन इग्नोरिंग व्हाट यू से। तो ये सारे आर्य समाजी भी तुम्हारे पास बहुत आते हैं। सो ऑल दीज आर्य समाजीज ऑल्सो कम टू यू अ लॉट। और देखते हैं अच्छा है। दे सी इट इज नाइस। ओपिनियन लिख करके जाते हैं। दे राइट देयर ओपिनियन एंड गो। और कोई ये देखो एंड लुक सम इनमें भी तो सेक्शंस है ना। देर आर सेक्शंस इन देम एज वेल aren't there? अनेक प्रकार के दे आर ऑफ मेनी काइंड्स। हाँ कोई सेक्शन गर्म है कोई सेक्शन नरम है। यस सम सेक्शंस आर ऑफ द हॉट टेम्पर्ड वंस एंड सम सेक्शंस आर ऑफ जेंटल वंस। तो बाबा हमको समझाते हैं। सो बाबा एक्सप्लेन्स टू अस। कोई भी आवे गरम आवे या नरम आवे तो तुम बच्चों को उनसे कोई से भी दरकार नहीं है झगड़ा करने की। नो मैटर हु कम्स टू अस द हॉट टेम्पर्ड वंस और द जेंटल वंस देयर इज नो नीड फॉर यू चिल्ड्रन टू फाइट विद एनी ऑफ देम। झगड़ा वगड़ा काहे का। व्हाई फाइट। क्योंकि क्रोध का भूत तो तुम बच्चों में है ही नहीं। इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन डोंट हैव द गोस्ट ऑफ एंगर एट ऑल। तो फिर उनको बहुत प्यार से बहुत अजीजी से बाप का नाम लेंगे और पार पड़ जाएंगे। यू विल टेक द फादर्स नेम विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड गेट अक्रॉस। कि हमको फादर यानी शिव बाबा हमको ये कहते हैं और ब्रह्मा के तन से कहते द फादर मीनिंग शिव बाबा टेल्स अस दैट एंड ही टेल्स अस थ्रू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। क्योंकि उन्हें तन तो चाहिए ना। इट इज बिकॉज ही डज नीड अ बॉडी डजंट ही। वो तो निराकार है। ही इज इनकॉर्पोरियल। जैसे आत्मा सबकी निराकार है तो हर आत्मा को ये शरीर चाहिए। As everyone's soul is incorporeal, every soul requires a body. तो ब्रह्मा के तन से कहते हैं। So he says through the body of Brahma. फिर किसी भी तन से कहो। You may say through any body. क्योंकि ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं। बिकॉज मेनी हैव द नेम ब्रह्मा। ब्रह्मा को कोई एक मुख थोड़ी दिखाया जाता है। ब्रह्मा इज नॉट शोन टू हैव जस्ट वन हेड। अब तुम अर्जुन के तन से कहो या किसी के भी तन से कहो। यू मे से थ्रू द बॉडी ऑफ अर्जुन और एनीवन्स बॉडी। वो तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। ही जस्ट सेज मन मना भव। और ये बिल्कुल सीधा तीर है। एंड इट इज एन एब्सोल्युटली राइट एरो। एक ही समझाने का ज्ञान बाण है कि मुझे याद करो। देयर इज ओनली वन एरो ऑफ नॉलेज टू एक्सप्लेन रिमेम्बर मी। विविचारी याद न करो। डोंट हैव अडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस। एक को याद करो। रिमेम्बर द वन। ऊंचे से ऊंचे भगवंत को पहचान करके याद करो। रिकॉग्नाइज द हाईएस्ट ऑफ द हाई गॉड एंड रिमेम्बर हिम। और तो सभी देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो। लीव ऑल द अदर बॉडीली रिलेशनशिप्स एंड रिमेम्बर मी। तो तुम
इस तरह मेरे साथ योग लगाने से ऊंचे से ऊंचा पद पावेंगे। सो बाय हैविंग योग विथ मी इन दिस वे यू विल रिसीव द हाईएस्ट पोजीशन। क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा है ना। इट इज बिकॉज ही इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई, इजंट ही। अब जो जितना याद करेंगे वो उतना ऊंचे पद पावेंगे। द एक्सटेंट टू विच समवन रिमेंबर्स हिम ही विल रिसीव अ हाई पोजीशन टू दैट एक्सटेंट। तो उनके साथ योग लगाने से तुम ऊंचे से ऊंचे बन जाएंगे ना। सो बाय हैविंग योग विद देम यू विल बिकम द हाईएस्ट, वोंट यू? उनके साथ, विद देम। ऐसे नहीं कहा उस एक के साथ, सिर्फ निराकार के साथ, नहीं। इट वॉजंट सेड विद दैट वन, ओनली विद द इनकॉर्पोरियल वन, नो। वो निराकार भी जिन ब्रह्मा नाम धारियों के बीच में परम ब्रह्म में परमानेंट प्रवेश करता है, वो है ऊंचे से ऊंच पार्टधारी। द वन हु इज परम ब्रह्म अमंग दोज हैविंग द नेम ब्रह्मा, द वन हुम दैट इनकॉर्पोरियल वन ऑल्सो एंटर्स परमानेंटली इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई एक्टर। तो उसके साथ योग लगाने से ऊंचे ही बनेंगे। सो बाय हैविंग योग विद हिम यू विल सर्टेनली बिकम द हाईएस्ट। और वो ही है एक जो पतितों को पावन बनाने वाला है। एंड ही इज द ओनली वन हु मेक्स द सिंफुल प्योर। पति तो पावन भी है। ही इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल एज वेल। माना पति तो और पावन का मेल है। इट मीन्स ही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंफुल एंड प्योर। तो संग के रंग से पतित भी पावन बन जाएगा। सो इवन द सिंफुल विल बिकम प्योर बाय द कलर ऑफ हिज कंपनी। वो निराकार बाप तो निराकारी धाम से आता है ना। इट इज बिकॉज दैट इनकॉर्पोरियल फादर कम्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरियल अबोर्ड, डजंट ही? निराकारी धाम में परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती। द इनकॉर्पोरियल अबोर्ड द सुप्रीम अबोर्ड वेयर ऑल द सोल्स आर ओनली प्योर। तो उसको तो अपना शरीर ही नहीं है। ही डजंट हैव अ बॉडी ऑफ हिज ओन एट ऑल। तो पतित कैसे होगा? सो हाउ विल ही बी सिंफुल? जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। He doesn't come in the cycle of birth and death at all. वो तो अकर्ता भोक्ता है। He is अकर्ता अभोक्ता। तो सदा पावन है, ever pure है। He is always pure. He is ever pure. तो उसे याद करने से हम भी पावन बन जाएंगे। So by remembering him, we will also become pure. अभी ये जो मुख्य बातें हैं, यही मुख्य मुख्य बातें याद करनी है। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, ज्यादा टिक 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 टिक। यस, अ लॉट ऑफ टिक 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 टिक, स्पीकिंग अ लॉट अननेसेसरीली। अरे टिक टिक बाबा। अरे टिक टिक बाबा। तुमको समझाई है ये बात बाबा ने। बाबा हैज एक्सप्लेन्ड दिस टू यू। तो ये टाइम लगाया है ना, बहुत टिक टिक करने में, समझाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। सो यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग इन डूइंग टिक टिक। खुद ही नहीं समझे हैं तो टिक टिक करते रहते हैं। When you yourselves haven't understood it, you keep doing tick tick. और समझना क्या है? And what should you understand? वो देखो गीता में भी तो कहा है। Look, it is also said in the Gita. बहुत संक्षिप्त ज्ञान है। It is a very concise knowledge. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को पहचान करके याद करना। It is the knowledge of recognizing the kshetra and kshetrajna and remembering them.
क्षेत्र अर्जुन का तन बताया। एंड द बॉडी ऑफ अर्जुन इज सेड टू बी क्षेत्र, बोला है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। इट इज सेड इजंट इट, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है यही क्षेत्र है। ओ अर्जुन, दिस चैरियट लाइक बॉडी ऑफ योर्स अलोन इज द क्षेत्र फील्ड। धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। इट इज द धर्म क्षेत्र फील्ड ऑफ रिलीजन एज वेल एज द कर्म क्षेत्र फील्ड ऑफ एक्शंस। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस बात को समझते हुए कितना टाइम हुआ तुम बच्चों को। नाउ इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस यू चिल्ड्रन हैव बीन अंडरस्टैंडिंग इट। तो बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि सारा जिंदगी ये टिक 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 ही करते रहना है। नहीं, सो बाबा डजंट से यू हैव टू डू दिस टिक टिक योर एंटायर लाइफ। नो, पिछाड़ी में तो फिर बाबा कह ही देते हैं। देन बाबा डस से एट द एंड, भाई अब इस समय में जास्ती टिक टिक नहीं करो। डोंट डू मच टिक टिक नाउ, क्योंकि बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो जैसे कि तोते मिसल हैं। इट इज बिकॉज देर आर मेनी ब्रह्मा कुमार कुमारीज Who are like parrots? जैसे तोता है ना, रट्टा लगाता है बात का। Just like a parrot keeps repeating words. उनको कुछ भी सिखलाओ तो वो ही सिखलाते रहेंगे। Teach them something and they will keep teaching the same to others. आगे पीछे और कुछ भी नहीं समझेंगे। They won't understand anything more than that. तो बस वो बस बस उतना ही सिखलाती रहेंगे। So they will keep teaching just that much. और बाप अगर वो ही बात समझाते रहे। And if the father keeps explaining the same thing. वो तो तुम खुद थक जाओगे सुनते सुनते। You yourself will become tired listening to it. ऐसे तो फिर कोई कोई तंग भी हो जाते हैं। Then some simply become annoyed. कहते हैं अरे ये बाबा की मुरली तो एक ही प्रकार की है। They say, अरे बाबा's murli is only of one kind. बार बार वही repetition. He keeps repeating the same again and again. और बाप कहे आज तो मैं तुमको गुई ते गुई पॉइंट सुनाता हूँ। एंड द फादर सेज टुडे आई नरेट यू द डीपेस्ट पॉइंट्स। रोज गुई बातें बताता हूँ। एवरी डे आई नरेट डीप पॉइंट्स टू यू। हम मनुष्य कहे कि एक ही बात होती है मुरली में। एंड पीपल से देयर इज जस्ट वन थिंग इन द मुरली। तो फिर ऐसे समझते समझते क्या करते हैं कि छोड़ ही देते। Gradually, thinking like this, they just leave the knowledge. एक ही मुरली में देखा, दो मुरली में देखा। They just read one or two murlis. तो समझ लेते हैं अच्छा ये तो वो ही सावधानी, एक ही बात रोज मन मना भव मुझे याद करो। Then they think, अच्छा, he gives the same warning, explains the same point every day. मन मना भव, remember me. ये याद की यात्रा की बात ही करते हैं। He speaks only about the journey of remembrance. तो बस वो समझते हैं ये तो एक ही बात है और क्या है। So They think there is just one thing. What else is there? और तो कुछ भी डिटेल नहीं है। There is no other detail. विचार सागर मंथन तो कुछ भी करते नहीं है।
They don't do any churning of the ocean of thoughts at all. समझते नहीं है They don't understand. कि भगवान तो ऊंचे ते ऊंचे है, उसकी तो हर बात में बाल में खाल, खाल में बाल भरी हुई है, रहस्य भरा हुआ है. God is the highest of the high. There are minute details, secrets filled in every point of his. गीता में भी तो लिखा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम. It is also written in the Gita, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम. That is, the knowledge of the Gita is very deep, secretive knowledge. गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनातम. I narrate to you the deepest knowledge. सबक ही समझ में थोड़े ही आता है. Not everyone understands it. तो फिर छोड़ देते. So they leave it. तो ड्रामा के प्लानुसार कोई न कोई ऐसे बहुत निकलते हैं जो फिर संशय में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं. According to the drama plan, many of such ones emerge who have doubts and leave the knowledge. कहते हैं ये नॉलेज तो ऐसी ही है. They say this knowledge is just ordinary. ऐसी है वैसी है. It is like this, it is like that. अब बाप तो कहते हैं बस काम काडे दिल यारडे. Now the father does say, just let your hands work, but your heart be with the beloved. कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो, बाप को याद करते रहो. Keep performing actions through the karmendriya and remember the father. और जीवन में बहुत शीतलता से चलते रहो. In your life, behave very calmly. अपने बाप को याद करते रहो. Keep remembering your father. मीठे ते मीठा बनते जाओ. Keep becoming the sweetest. बच्चों प्रति. To the children. अभी कहाँ सुनेंगे. No one will listen now. कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं है जो अभी सुनेंगे. ये जो अक्षर निकलते हैं ना. Now there is no one in the world who will listen to these words which emerge. मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति. To the very sweet spiritual children. अब ऐसी बात तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकेंगे. Now, no one will be able to even copy such words. मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप और दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार. गुड नाइट. Remembrance, love and good night from the heart and spirit, affection and love of the spiritual father and dada to the very sweet, long lost and now found spiritual children. मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते. नमस्ते ऑफ द स्पिरिचुअल फादर टू द वेरी स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. 29 तारीख. इट इज द 29th टुडे. ओम शांति.